नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। क्या आरजेडी और जेडीयू में कोई डील हुई है? बिहार की राजनीति में ये सवाल तब से उठने लगे हैं जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। अब इस सवाल का जवाब लालू प्रसाद यादव ने खुल कर दिया है। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में कितनी ज्यादा उलटफेर देखने को मिली थी जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। तब से बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि राजद और जदयू में डील हुई है, और डील कौन सी? तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर। इस मामले पर लालू प्रसाद यादव ने खुलकर कहा है और साफ कहा है कि राजद और जदयू के बीच कोई डील नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डील तो नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल ये हर किसी की इच्छा होती है, हर एक बाप की इच्छा होती है। इस वजह से मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो बिहार के डिप्टी सीएम की गद्दी से उठकर अब बिहार की सत्ता की गद्दी संभाले, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाले। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा है, बड़ा बयान दिया है और डील पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ऐसी कोई डील की पैच कि ऐसी कोई डील राजद और जदयू पर नहीं हुई है। आपको याद होगा कि इसी डील को लेकर बिहार में कितना ज्यादा बवाल देखने को मिला था बीते दिनों जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसके कुछ ही महीनों के बाद उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आरएलजेडी के अभी अध्यक्ष बन गए हैं, वो जेडीयू से इसी बात पर अलग हुए थे कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ डील कर ली है और दोनों पार्टियों के बीच सीएम नीतीश को हटाकर तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता की गद्दी सौंपने की बात बनी है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे और फिर वो पार्टी से अलग हो गए थे और अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। देखा जाए तो इधर बीजेपी के लोग भी लगातार इसी सवाल को दागते रहे हैं, लगातार यही सवाल पूछते रहे हैं कि नीतीश कुमार से अब बिहार की गद्दी नहीं संभल रही है, जिस वजह से वो अब तेजस्वी यादव के आगे पीछे कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ही हर डिसीजन को लेते हैं। इतना ही नहीं, अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी बिहार में आगामी चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा रणनीति तैयार की जा रही है। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक मुहिम भी चलाई और इसी मुहिम के तहत वो देश भर के विपक्षी लोगों को एकजुट करने में लगे हैं। एकजुटता हो भी गई है। आपने देखा कि बीते दिनों पटना में 23 जून को बड़ी बैठक की गई थी, जिसके बाद सभी नेता बेंगलुरु में मिले थे और बेंगलुरु में भी दो दिनों की बैठक चली थी और अब यह बैठक मुंबई में होने वाली है। मुंबई में 31 और 1 सितंबर को यह बैठक की जाएगी, जिसको लेकर कई सारी रणनीति बनाई जा रही है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने डील को लेकर बड़ा बयान दिया है, खुलकर कहा है कि ऐसी कोई डील हमारे बीच नहीं हुई है, राजद और जदयू के बीच कोई डील नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बाप के तहत ये मेरी इच्छा है कि तेजस्वी यादव अब बिहार की गद्दी संभाले, यानी कि बिहार के डेप्यूटी सीएम के पद से अब वो बिहार के सीएम का पद संभाले। बहरहाल देखना होगा आगे और भी क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय मोड पर है। सभी पार्टियां अपने अपने तरह से रणनीति इख्तियार कर रही है। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।